News 18, इंडिया। और उधर शंभू बॉर्डर पर मचे घमासान के बीच अंबाला पुलिस की तरफ से एक वीडियो जारी कर दिया गया है। पुलिस का आरोप यह है कि किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रवियों द्वारा शंभू बैरियर पर जबरदस्त उत्पात मचाया जा रहा है। उपद्रवी पुलिस पर बार बार पत्थरबाजी कर रहे हैं और इसी में पुलिस के 18 और पैरा मिलिट्री के 7 जवानों सहित कुल 25 जवान ऐसे बताए जा रहे हैं जो जख्मी हो गए हैं। जो वीडियो जारी किया गया है वो भी अब हम आपको न्यूज 18 इंडिया पर दिखाने वाले हैं। अंबाला पुलिस की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। ये वही शंभू बॉर्डर है जिस पर आपको याद होगा दिल्ली कूच का जब ऐलान किया गया था तो पहली बार तस्वीर जो माहौल खराब करती हुई थी वो इसी शंभू बॉर्डर से सामने आई थी। और अब तो अंबाला पुलिस की तरफ से इस वीडियो को जारी करने के बाद ये भी आरोप लगा दिया गया कि इसी किसान आंदोलन की आड़ में कुछ उपद्रवी इसमें घुस आए हैं और उसके बाद माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उसका नतीजा क्या है कि शंभू बॉर्डर पर हुए घमासान में 25 जवान ऐसे हैं जो कि जख्मी हो चुके हैं। न सिर्फ पुलिस के जवान बल्कि उसमें पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान भी शामिल हैं। तो किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के साथ और पंजाब के 3 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आंदोलन की वजह से इंटरनेट सेवा 17 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट सेवाएं बाधित है, क्योंकि देखिए किस तरीके से कुछ आंदोलनकारी जो है किसान आंदोलन की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में 17 फरवरी तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। किसान आंदोलन की वजह से कई जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। और उधर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने उम्मीद जाहिर की है कि किसानों के साथ सकारात्मक माहौल में बातचीत हो रही है और बहुत जल्द ही हम किसी एक निष्कर्ष पर, एक कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। हमारी सरकार, मोदी सरकार, किसानों का विचार करने वाली सरकार है। जरूर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में हमको बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। किसान जो होते हैं वो हमारे आदरणीय, हमारे लिए होते हैं और सरकार के साथ उनकी चर्चा चल रही है। कोई ना कोई तो मार्ग निकलेगा और किसानों को न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और बीच किसानों के आंदोलन के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसे 37 किसान संगठनों ने समर्थन देने का दावा किया है। किसान संगठनों ने सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद का ऐलान किया है। हालांकि व्यापारी संगठनों ने बंद में शामिल नहीं होने का दावा किया है। देखो, बंद का ये है कि ग्रामीण भारत बंद उसका है कि किसान खेत में न जाए, तो एक ये वैचारिक बंद है किस्म से। और ये नया ट्रायल करा है ग्रामीण भारत बंद का, जो भी गांव में लोग रहते हैं वो शहर ना आए, वो कुछ कल खरीदारी न करें, खेत में काम न करें, तो एक नया ट्रायल इसका करेंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे कि क्या इसमें फिर घटाना, क्या बढ़ाना और इस मूवमेंट को कैसे फिर हम आगे बढ़ाएंगे। कितने घंटे का ये बंद रहेगा? नहीं, कल तो पूरा ही दिन है। कि बंद का मतलब है कि किसान कल खेत में ना जाएं, वो आज जाएं या फिर उस अगले दिन जाएं। और उधर व्यापारिक संगठन ने किसानों के ग्रामीण भारत बंद के ऐलान का विरोध कर दिया है। व्यापारिक संगठन ने यह कह दिया है कि वो किसी भी तरह के बंद का समर्थन नहीं करते हैं और वो अपनी दुकानें इस दिन खुली रखेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। व्यापारियों ने अपने आप को इस भारत ग्रामीण बंद से अलग कर लिया है और ये कहा कि वो किसी भी बंद का समर्थन नहीं करते हैं और इस दिन वो अपनी दुकानों को खोलने वाले हैं। किसान संगठनों द्वारा कल देश भर में भारत बंद बुलाया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स इस बंद में शामिल नहीं होगा। देश के सभी मार्केटों में बदस्तूर काम जारी रहेगा, कारोबारी गतिविधियां जारी रहेंगी और सभी व्यापारी पूर्ण रूप से अपना काम करेंगे। हमारा निवेदन किसान नेताओं से है कि वो सरकार से बातचीत के द्वारा अपनी समस्या का हल निकालें।
और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित 9,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन यहां पर करेंगे और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी में एम्स की आधारशिला रखेंगे और रेलवे की कुछ परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में नवनिर्मित अनुभव केंद्र ज्योतिसर का उद्घाटन भी करेंगे। तो हरियाणा को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगातें देने जा रहे हैं। कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने जा रहे हैं। रेवाड़ी का अहम दौरा है और ऐसे में कई सौगातें यहां पर हरियाणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और इसी हरियाणा के रेवाड़ी में देश का 22वां एम्स बनने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत रेवाड़ी में एम्स की आधारशिला को रख दिया जाएगा। आपको और भी डिटेल देते हैं। रेवाड़ी में एम्स बनाने में करीब 1650 करोड़ रुपए की लागत आई है। एम्स को रेवाड़ी के गांव माजरा में 203 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। अब रेवाड़ी में बनने वाले एम्स में 720 बेड स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही 100 सीटों वाला एक मेडिकल कॉलेज भी यहां पर होगा। 60 सीटों वाला एक नर्सिंग कॉलेज भी बनाया जाएगा। 30 बिस्तरों वाला एक आयुष ब्लॉक होगा। संकाय और कर्मचारियों के लिए आवास यहां पर होंगे। इसके अलावा यूजी और पीजी छात्रों के लिए हॉस्टल, रैन बसेरा, गेस्ट हाउस जैसी तमाम सुविधाएं यहां पर होंगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज हरियाणा के रेवाड़ी में पहुंचने वाले हैं तो ये दौरा उनका बहुत खास होगा। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित होंगे। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और राजस्थान को 17,000 करोड़ रुपए की सौगातें देंगे। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान को कई सौगातें देने जा रहे हैं। विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 17,000 करोड़ रुपए की सौगातें देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जुड़ेंगे क्योंकि रेवाड़ी का भी उनका कार्यक्रम है और ऐसे में कई सौगातें यहां पर देश को समर्पित करेंगे। और अब ब्रेकिंग न्यूज श्रीनगर से है, जहां पुलिस ने बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। हफ्ते भर पहले आतंकियों ने पंजाब के रहने वाले दो लोगों पर गोलियां बरसा दी थी और इस गोलीबारी में अमृतपाल सिंह नाम के एक आदमी की जान चली गई थी। हालांकि पुलिस ने इस हमले के मुख्य आरोपी आदिल मंजूर लंगू को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसने चालाकी दिखाते हुए अपने फोन को एक नाले में फेंक दिया था। अब इसी की तलाश में श्रीनगर में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं श्रीनगर से है, जहां पुलिस ने एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चला दिया है। हफ्ते भर पहले आपको याद होगा, आतंकियों ने पंजाब के ही रहने वाले दो लोगों पर गोलियां बरसा दी थी और इसी गोलीबारी में अमृतपाल सिंह नाम के एक आदमी की जान चली गई। लेकिन उसका मोबाइल फोन कहां है, उस मोबाइल फोन को ढूंढना इसीलिए अहम है क्योंकि उससे ये जो कनेक्शन है पूरा उसका भंडाफोड़ हो पाएगा और कितना आगे तक ये कनेक्शन फैला हुआ है ये जानने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। लिहाजा वहां पर एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। कहां पर इस फोन को फेंका गया, कैसे इस फोन की बरामदगी हो सकती है, इस सब पर अब वहां काम किया जा रहा है।